हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू मेक गुजराती डिश खमन ढोकला। बट बिफोर वी स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्रेविंग फॉर मोर यमी रेसिपीज। ढोकला आप एंजॉय कर सकते हो मीठी चटनी और पुदीने की चटनी के साथ, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो प्लीज उसे जाके चेक कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। बेसन लिया है 2 कप, पानी, नमक 1/2 छोटा चम्मच, चीनी ली है 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, दही 3 बड़े चम्मच, एक इनो का पैकेट लिया है, नींबू का रस 1 बड़ा चम्मच, चीनी 1 बड़ा चम्मच, हरी मिर्च 4, कड़ी पत्ता 12 से 15 पत्ते, राई 1 छोटा चम्मच, चुटकी भर हिंग और 2 चम्मच तेल। अब एक बाउल में मैंने बेसन लिया है छान के, इसमें मैंने डाला है नमक और चीनी, हल्दी पाउडर। ध्यान रखिएगा कि हमें हल्दी पाउडर कम डालनी है, वरना हमारा ढोकला लाल हो सकता है। फिर हम डालेंगे इसमें दही, इसे मिलाइएगा अच्छे से और इसमें धीरे धीरे 1 कप पानी डालिएगा। हमें इसका बैटर थिक बनाना है, लेकिन ये देखिए स्मूथ भी बनना चाहिए, उस हिसाब से आप पानी डालिए। इसे हमें अच्छे से मिलाना है सबको, और मैं इसे आधे घंटे के लिए ढक के रखने वाली हूँ। इसके बाद मैंने डाला है इसमें इनो का पैकेट, आधे घंटे बाद हम इसमें डालेंगे। और इनो का पैकेट डालने के बाद देखिए ये कैसे फूल चुका है और इसमें बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं। हमें ध्यान रखना है कि इसे एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। अब यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है जिसे मैंने ग्रीस कर दिया है तेल लगा के। उसके बाद मैं इसमें बैटर डालूंगी और हमें इसे अब टैप करना है। अच्छे से इसे टैप कीजिएगा। ढोकला हम स्टीम करेंगे प्रेशर कुकर में, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2.5 कप पानी डाला है कुकर में और एक स्टैंड रखा है। इसे प्री हीट करके लिया था मैंने 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे। अब इसमें मैं पैन रखूंगी, कुकर की सीटी निकाल लीजिएगा। अब इसे मैं 15 से 20 मिनट तक मध्यम आंच पे पकाऊंगी। ढोकला चेक करने के लिए टूथपिक का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी बैटर लगा हो टूथपिक पे तो आप इसे फिर से स्टीम कीजिएगा। ये पूरी तरीके से पक चुका है ढोकला। अब एक पैन में 2 चम्मच तेल डालिएगा। तेल गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे चुटकी भर हींग, राई, कड़ी पत्ता, नींबू का रस, चीनी, और हरी मिर्च। हरी मिर्च को मैंने बीच में से ऐसे कट करके लिया था। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी, नमक 1/2 छोटा चम्मच। इसे अच्छे से उबाल लीजिएगा और गैस बंद कीजिएगा। यहाँ पे मैंने ढोकला एक प्लेट में निकाल के लिया है। ढोकले को स्लाइस में कट कर लीजिए और उस पर ये मिक्सर डालिएगा जो हमने बनाया था। मिक्सर डालने के बाद इसे ऐसे ही 5 मिनट तक रखिएगा ताकि ढोकला इसका स्वाद सोख ले। गार्निश कीजिए इसे धनिया और नारियल के साथ। सर्व कीजिए ढोकला पुदीने की चटनी और मीठी चटनी के साथ। एंजॉय।